सिर्फ कबूतरों से ही क्यों भिजवाई जाती थी चिट्ठियां, किसी और पक्षी को नहीं भेजने का क्या था कारण? आइए समझते हैं काफी रोचक तथ्य है। चिट्ठियां पहुंचाने के लिए कबूतर के इस्तेमाल के पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। दरअसल कबूतर के शरीर में एक ऐसी फंक्शनैलिटी है जो कि उसके लिए GPS की तरह काम करता है। GPS। अगर डिटेल में जानना है तो बने रहना वीडियो के अंत तक। अगर आपको आज किसी दूर रह रहे इंसान का हालचाल पूछना है तो जाहिर बात है आप तुरंत अपना फोन उठाकर कॉल कर देंगे। आज का वक्त इतना डिजिटल हो गया है कि आप तुरंत वीडियो कॉल करके सामने वाले इंसान से फेस टू फेस बात कर सकते हैं। इस डिजिटल मोबाइल और वीडियो कॉल के वक्त से पहले हमारे घरों में डायलर वाले फोन होते थे, उसके पहले मेल और उसके भी पहले डाकिया के द्वारा चिट्ठी के जरिए अपने दूर रह रहे दोस्त और रिश्तेदारों से बात करते थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डाकिया से पहले चिट्ठियां कैसे भेजी जाती थी? जी बिल्कुल, पहले कबूतर के जरिए चिट्ठी भेजी जाती थी। लेकिन आपने कभी ध्यान दिया है कि सिर्फ कबूतर को ही इस काम के लिए क्यों चुना जाता था, किसी और पक्षी को क्यों नहीं? इसके पीछे है यह वैज्ञानिक कारण। चिट्ठियां पहुंचाने के लिए कबूतर के इस्तेमाल के पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। दरअसल कबूतर के शरीर में ऐसी एक फंक्शनैलिटी जो कि उसके लिए GPS की तरह काम करता है, जिसकी वजह से कबूतर कभी अपना रास्ता नहीं भूलता। इसके अलावा वैज्ञानिकों का कहना है कि कबूतरों में रास्ता खोजने के लिए मैग्नेटो रिसेप्शन स्किल पाई जाती है, जिसके जरिए कबूतर अपनी मंजिल ढूंढ लेते हैं। ये भी है एक खासियत। वही इसके साथ उसमें 53 विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं उसके लिए दिशा सूचन का काम करती हैं, जिससे वह दिशाओं की पहचान करती है। इसके अलावा कबूतर की आंखों की रेटिना में खास तरीके का प्रोटीन भी पाया जाता है। तो आपको पता चल गया होगा पहले कबूतर से ही क्यों चिट्ठियां भिजवाई जाती थी। आई होप कि आपको वीडियो पूरा पसंद आया हो, और यार वीडियो काफी मेहनत से बनाया, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि उन्हें पता चले कि आप कितनी यूनिक एंड कूल वीडियो देखते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।